खबर इंडिया 7। थाना सदर बाजार और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून के संचालित इंडस इंड बैंक मुजफ्फरनगर के खाते से सहारनपुर में फर्जी चेक से करीब 4 करोड़ रुपए निकालने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी बबलू कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए एनएचएआई की जो खाता मुजफ्फरनगर इंडसइंड बैंक में थी, इस बैंक के खाते से दिसंबर महीने में कुल 5 चेक के माध्यम से तकरीबन 4 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया था। फर्जी चेक लगाकर पैसे निकाल लिए गए थे, जिसको अधिकारियों ने डायग्नोस जनवरी में किया और हमारे थाना सदर बाजार में 38/31/18 क्राइम नंबर दर्ज किया गया। चूँकि सरकारी धन की बात थी, बड़े अमाउंट की बात थी और बहुत ही गंभीर प्रकरण था, हमारी एक अलग क्राइम ब्रांच की टीम हमने बनाई जो इसको अनावरण करने हेतु लगाया था और हमारी टीम को अच्छी सफलता मिली है कि इस पूरे गैंग के 4 सदस्यों को मुंबई से गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली और पूरे घटनाक्रम को और गिरोह का जो है पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। इस गैंग का गैंग लीडर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जो ओरिजिनली बनारस का रहने वाला है, जो मुंबई में अभी रह रहा है, उसके साथ उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 5 से 7 लाख रुपये और एक इनोवा गाड़ी, कुछ जेवरात आदि बरामद किया गया है, जिनको मुंबई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया है। जेल में भेजकर माननीय न्यायालय से PCR लिया जाएगा और उसके उपरांत जो है अन्य रिकवरी की जाएगी। इन 4 अपराधियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद जो यहां मुजफ्फरनगर बैंक का एक कर्मचारी और एक कर्मचारी गौरव गर्ग और आसिफ उसका सहयोगी, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और करीब 20 लाख रुपए की जो है रिकवरी के लिए हमारी टीम मुजफ्फरनगर गई है और शाम तक मैं समझता हूँ वो सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। इसके उपरांत इन 6 अपराधियों को न्यायालय से PCR पर लिया जाएगा और अन्य इनके साथी और अन्य धनराशि जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए